तो हमारे यहाँ जो मेंबर है वो प्लास्टिक जब तक हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, शेप ऑफ द फिश की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली डब्ल्यू सिमेट्रिकल सेक्शन, डब्ल्यू सिमेट्रिकल सेक्शन यानी सेक्शन को अगर आप दोनों एक्सिस में कट कर दें तो जो मिरर इमेज डेवलप होता है वो इक्वल मिरर इमेज डेवलप होता है। तो डब्ल्यू सिमेट्रिकल आई शेप सेक्शन इज अलोन एट द प्लास्टिक लोकेशन, यहाँ पे आपके प्लास्टिक डेवलप हो रहा है लोकेशन, वहाँ पे आपने एज अ ज्वाइंट प्रोवाइड करना है एज अ डब्ल्यू आई शेप सिमेट्रिकल सेक्शन। द एलिमेंट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन मस्ट हैव अ विड्थ टू थिकनेस रेशियो, जो आप विड्थ ओवरऑल मेंबर की और मेंबर की थिकनेस की रेशियो जो है वो आपकी लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए लैम्डा बी। और लैम्डा बी के लिए हम लैम्डा बी के लिए प्रॉब्लम कराते हैं विद सम मॉडिफिकेशन, जिसको हम लैम्डा बी को मजीदा जो चेक करते हैं कि लैम्डा बी बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो आपका थिकनेस टू डेप्थ रेशियो है या ओवरऑल जो विड्थ टू थिकनेस रेशियो है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा बी। उसके बाद फर्दर जो रिस्ट्रिक्शन है फ्लैंजेस एंड बैक्स के अंदर जो शेप आपने यूज किया डबल डब्ल्यू सिमेट्रिक के अंदर यूज किया, उसके अंदर मजीद हमारे पास फ्लैंजेस और वेव के हमारे क्या लिमिटेशंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो फ्लैंजेस एंड वेव्स ऑफ द नेबर सब्जेक्ट टू प्लास्टिक इन कंबाइंड फ्लैंजेस इंटरप्रेशन शुड बी कॉम्पैक्ट, सेक्शन जो है वो आपके कॉम्पैक्ट सेक्शन होने चाहिए जब आपकी कंबाइंड फ्लैंजेस और शेप की बात होती है, कंबाइंड फ्लैंजेस एंड वेव की बात होती है, फ्लैंजेस एंड वेव्स में वो कॉम्पैक्ट सेक्शन होने चाहिए फॉर द प्लास्टिक पर्पस के लिए। उसके साथ मजीद हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, द फ्लैंजेस ऑफ सिमेट्रिकल आई सेक्शन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग यूजुअल कंडीशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस, तो कॉम्पैक्टनेस आप किस तरह चेक करते हैं, ओवरऑल विड्थ ऑफ द सेक्शन डिवाइड बाय 2 टाइम थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, या विड्थ ऑफ द फ्लैंज डिवाइड बाय 2 टाइम थिकनेस ऑफ द फ्लैंज शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.8 और सम लास्ट डिवाइड बाय के अंडर रूट। सो दिस फैक्टर जो कि आपकी वैल्यू है बेसिकली ये लेस देन इक्वल होना चाहिए इसके एंड पॉइंट पर और ये था जिस चीज को हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो आपका जो थिकनेस का रेशियो है विड्थ का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज का रेशियो ये आपका कम या बराबर होना चाहिए एंड पॉइंट के या 0.8 ओवर एफ वाई अंडर रूट के अंदर। नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वैल्यू है एंड पॉइंट 8 और 8.6 यूज करते हैं। अब फ्लैंजेस के चेक के बाद आते हैं वेब के चेक के ऊपर। जब आप वेब के चेक की बात करते हो तो वेब ऑफ डब्ल्यू सिमेट्रिकल बाइक फ्लैंज मेंबर एंड रेक्टेंगुलर हाई फ्लैंज स्ट्रीम्स जो आपके हैं इनका बाइक फ्लैंज कंपैरिजन जो आपके डब्ल्यू सिमेट्रिकल सेक्शन में या बाइक फ्लैंज जो सेक्शन में उनके वेब के अंदर क्या चेक आपने अप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर नेग्लिजिबल अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट फैक्टर लोड अगर आपका नेग्लिजिबल है तो उसके अंदर ओवरऑल लेंथ ऑफ द सेक्शन डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ द वेव शुड बी लेस देन इक्वल टू 6.75 अंडर रूट डिवाइडेड बाय एफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 107 फॉर इफेक्टिव। कि जो आपका रेशियो है एच ओवरऑल लेंथ का विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ द वेव ये आपकी वैल्यू जो है वो शुड बी लेस देन होनी चाहिए इस फॉर्मूला से और सब प्लास्टिसिटी और यूनिट स्ट्रेस को यूज करने के बाद या कम से कम जो है जो वैल्यू रिस्टेड है 107 उसके बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि फॉर अल्टीमेट फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय 5 इनटू यील्ड स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.15। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास जो है वो अल्टीमेट जो टोटल जो लोड था फैक्टर लोड डिवाइड बाय यील्ड स्ट्रेस का जो फैक्टर हम अप्लाई करते हैं तो ये रेशियो आपस में जो है 0.15 के बराबर या उससे कम होना चाहिए। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो क्या चेक है अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट फैक्टर लोड के रिक्वायर्ड यील्ड स्ट्रेस कंप्रेशन जो हम नॉर्मली बात करते हैं न्यूटन एट 5 सीटी का रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर कंप्रेशन इज इक्वल टू 0.9 एंड यील्ड स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय पीई बाय जो हम नॉर्मली इसे डिस्कस किया है न्यूटन। उसके बाद हमारे पास चेक है कि एच ओवर डी डब्ल्यू जब आपका वैल्यू अगर नेग्लिजिबल अल्टीमेट लोड है तो आपके पास 6 डब्ल्यू के ऊपर है, अगर आपका लोड जो है वो अल्टीमेट फैक्टर लोड बाय स्ट्रेस आपका 5 के साथ अगर ये वैल्यू कम आती है या बराबर आती है 0.25 के तो आपका एच ओवर डी डब्ल्यू जो थिकनेस है वो आपकी वैल्यू हो जाती है 2.75 एन टू अंडर रूट ई ओवर एफ बाय 1 माइनस 2.75 अल्टीमेट फैक्टर लोड बाय 5 डिवाइड बाय
अल्टीमेटली स्ट्रेस। इस वैल्यू से इस फॉर्मूला से जो हम वैल्यूज को चेक करते हैं कि ओवरऑल एच ओवर टी डब्ल्यू दोनों केसेस के अंदर कहाँ पे हमारा एक्सेप्शन लाई कर रहा है, उसी तरह से हम जो है मतलब स्पेसिफिक एक्सेप्शन फॉर द बैब्स या वाइट प्लेन सेक्शन पर डिसाइड करेंगे। के बाद हमारे पास वाइट फ्लेंज के लिए डब्ल्यू सेक्शन के लिए जो हमारे पास रैप्स के लिए जो चेक था दूसरा चेक हमारे पास एल्टीमेट फैक्टर लोड डिवाइड बाय फाइव की जो यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ आपके पास जो है वैल्यू या फैक्टर जो है वो मोर देन 0.15 आता है तो आपका एच ओवर डी डब्ल्यू का जो रेशियो है वो बेसिकली आप रिवाइज करते हैं या आपका जो रिवाइज है वो इस तरह से कैलकुलेट होता है। एच ओवर डी डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1.12 इनटू अंडर रूट ई ओवर एफ बाय डी जो स्क्वायर मतलब आप इसे into 2.3 minus ultimate factor load divided by 5 into yield stress. अब उसके बाद अगर ये वैल्यू जो है ओवरऑल कमी है शुड बी मोर देन इक्वल टू 1.49 into ओवर एफ बाय एंड रूट। इस तरह से हम जो है तीनों कंडीशंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अल्टीमेट फैक्टर लोड एग्जीबल है सेकंड केस के अंदर जो ओवर 5 into q by अगर आप शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.25 थर्ड केस के अंदर q ओवर 5 into yield stress आपकी मोर देन 0.25 तो तीनों केसेस के अंदर आप वेब का जो क्राइटेरिया है वो किस क्राइटेरिया में फॉलो कर रहा है उसी हिसाब से हमें डिजाइन इक्वेशन को यूज करना है और डिजाइन सजेस्ट करना है। अब हमारे पास जो फोर्थ रिस्ट्रिक्शन है बेसिकली फॉर द इलास्टिक डिजाइन एनालिसिस के लिए वो आप किस तरह से कंसिडर करते हैं दैट इज स्टेबिलिटी एंड सेकंड ऑर्डर इफेक्ट। आप स्टेबिलिटी को स्ट्रक्चर की किस तरह से चेक करते हैं और सेकंड ऑर्डर इफेक्ट हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। लेट सपोज वी हैव अ कंटिन्यूअस बीम not subjected to axial loads and that do not contribute to the lateral stability of a frame structures may be designed based on first order inelastic analysis or a plastic mechanism analysis. The ऐसे continuous member जिनके अंदर कोई भी lateral stability या lateral force apply नहीं हो रहे, कोई भी axial force apply नहीं हो रहे, उस केस के अंदर उन members को हम plastic mechanism analyze करेंगे तो first order inelastic analysis method या plastic mechanism analysis method use करके analyze करेंगे। Now for the case of brazed frame and moment frame, whether brazed frame or moment frame can bar the frame, they designed based on the first order inelastic analysis or plastic mechanism analysis. If you brazed frame or moment frames, then you can normally do the first order inelastic analysis or plastic analysis, then you can do the design and analyze. Again, we have to provide the proper stability and second order effects are also taken into account. आपने अगर एनालाइज उनको करना है बाय फर्स्ट ऑर्डर इनलास्टिक एनालिसिस तो आपने सेकंड ऑर्डर जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करना है चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। उसके बाद स्ट्रक्चर में भी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर इनलास्टिक एनालिसिस आप स्ट्रक्चर को सेकंड ऑर्डर इनलास्टिक भी एनालाइज कर सकते हैं। फॉर बीम कॉलम कनेक्शन एंड कनेक्टेड मेंबर्स द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम सेकंड ऑर्डर एनालिसिस। जब आप ब्रेस फ्रेम और मूवमेंट फ्रेम से हट के आप डायरेक्टली बात करते हैं बीम कॉलम कनेक्शन एंड कनेक्टिंग मेंबर्स उस केस के अंदर आप डायरेक्टली जो है वो सेकंड ऑर्डर एनालिसिस एनालिसिस के अंदर जो यूज करेंगे क्योंकि उसके अंदर हमने दो चीजें चेक करनी है। सेकंड ऑर्डर एनालिसिस के अंदर फर्स्ट वी हैव टू चेक द इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर सैटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री एंड सेकंड इज टू चेक द डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बिल्डिंग के ऊपर स्टिफनेस है वो आइदर सेटिस्फैक्ट्री आ रही है या नहीं आ रही है और सेकंड केस के अंदर आप फॉर्म ज्योमेट्री शेप चेंज ज्योमेट्री के अंदर कितना हुआ इन द रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए और उसके अंदर डिफॉर्मेशन मेंबर के अंदर कितना चेंज होगा। नाउ अ ब्रेस फ्रेम के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन लाइक करते हैं कि ब्रेस फ्रेम द ब्रेस शुड बी डिजाइंड टू रिमेन इलास्टिक अंडर द डिजाइन लोड। जो आपकी ब्रेस हैं वो इलास्टिक के अंदर परफॉर्म करें इलास्टिक जैसे लोड अप्लाई हो डिफॉर्म हो जैसे लोड रिमूव हो मतलब वापस होने की कोशिश नहीं आ गया इलास्टिक के अंदर तमाम ब्रेस जो है वो रिस्पॉन्ड करनी चाहिए। द रिक्वायर्ड एक्सियल स्ट्रेंथ फॉर कॉलम्स एंड कंप्रेशन ब्रेस शुड नॉट एक्सीड 0.85
वेरी फेवरेट सीट है, जिसका पीछे ये 5.85 रिसर्च टू क्रॉस डिनोमिनेशन। अब सेकंड कंडीशन के अंदर हमारे पास है मूवमेंट फ्रेम्स। मूवमेंट फ्रेम्स के अंदर हम क्या करते हैं कि द इन द मूवमेंट फ्रेम द रिक्वायर्ड एक्सियल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम शुड नॉट एक्सीड 0.75 रिसर्च टू क्रॉस डिनोमिनेशन। अब यहां पे आप देख सकते हैं ब्रेस में
मेंबर को साइड करते हैं मतलब स्ट्रेस कंप्रेशन एंड फ्लेक्चर जो है वो एक अटैक है। हमने डिस्कस किया सो इन द लास्ट केस आर वाई वाज द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द माइनर एक्सिस मिलीमीटर एंड एम1 ने ओवर एम2 इज द पॉजिटिव मेन मोमेंट्स कॉज रिवर्स कर्वेचर एंड नेगेटिव पॉजिटिव कर्वेचर। अगर आपका रिवर्स कर्वेचर जनरेट हो रहा है तो एक कंप्लीट जो है वो कर्वेचर डेवलप हो रहा है दो वेव डेवलप के अंदर पहुंच उसके अंदर हमारे पास जो मेंबर है वो कंबाइंड फोर्स को अगर फेस करते हैं तो स्पेस के अंदर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। सो इनलास्टिक मेथड या प्लास्टिक एनालिसिस और प्लास्टिक एनालिसिस नॉट अलोन फॉर द मेंबर सब्जेक्टिव टू टॉर्शन एंड कंबाइंड टॉर्शन लाइक शियर एंड टेंशन फोर्स। जब आपका मेंबर कंबाइंड फोर्स को फेस करता है इन टर्म्स ऑफ टॉर्शन तो इसलिए है क्या कंबाइंड टॉर्शन विद फ्लेक्चर विद शियर एंड टेंशन फोर्स उसके अंदर हम ये नहीं उठा सकते कि हम इलास्टिक मेथड को प्रपोज करें वहाँ पे आपको हायर सेफ्टी मार्जिन की जरूरत होती है। इस वजह से हम इलास्टिक मेथड को उस डिस्टेंस के लिए इलास्टिक इलास्टिक मेथड को हम प्रपोज करते हैं वो मेथड हमारा बेहतर है। ये इलास्टिक सोल्यूशन के अंदर हम लोगों को उस मेथड के लिए नहीं जाते। नाउ वी हैव अ कनेक्शन अगर हम कनेक्शन की बात करें तो कंबाइंड फोर्सेस की बात करें कंबाइंड फोर्सेस के अंदर बिल्कुल हम इसको नहीं उठा सकते। हम लोग इलास्टिक मेथड के अंदर जा ही नहीं रहे हम नॉर्मल इलास्टिक एनालिसिस परफॉर्म करेंगे बाय इलास्टिक कंडीशन। इसी तरह से कनेक्शन जो है कनेक्शन एडजेसेंट टू प्लास्टिक जहां उस रीजन के अंदर जहां पे प्लास्टिक डेवलप हो रहा है उस रीजन के अंदर जो है वो आपने कंडीशन प्रोवाइड करनी है और डक्टिलिटी प्रोवाइड करनी है टू सस्टेन द फोर्सेस एंड डिफॉर्मेशन इन फोर्स अंडर रिक्वायर्ड लोड। कि जो लोडिंग अप्लाई हो रही है उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन जनरेट हो रही है डक्टिलिटी ओवरऑल पर हमारा ऑब्जेक्टिव कर सकता है तो उस केस के अंदर हम इन इलास्टिक एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। नाउ इन द केस ऑफ कॉलम्स द केस ऑफ लॉन्गर कंप्लीशन मेंबर हम बात कर सकते हैं इफेक्टिव लेंथ फैक्टर फैक्टर लेंथ फैक्टर के जो कंपैरेटिव कॉलम से कंप्लीशन मेंबर को डिस्कस किया था सो द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द अनसपोर्टेड लेंथ ओवरऑल इफेक्टिव लेंथ कितनी है अनसपोर्टेड लेंथ कितनी है दिस डिपेंड्स ऑन द एंड कंडीशंस ऑफ द कॉलम जो कॉलम है उसके अंदर एंड कंडीशन कैसे आपने यूज किए हैं एंड वेदर द साइज इज स्वे इस पर हम जीरो नॉट है साइज से उस कॉलम के अंदर अलो है या नहीं है। साइज पे अगर अलो है तो ओवरऑल अनसपोर्टेड लेंथ और इफेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या डेवलप हो रही है इस डिपेंडिंग ऑन द एंड कंडीशन। सो अगर आपके पास एंड कंडीशन के हिसाब से आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो के जो वैल्यू है वो अनसपोर्टेड और इफेक्टिव जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब के वैल्यू बेसिकली क्या कर रहा होता है द ग्रेटर द के वैल्यू अगर इफेक्टिव लेंथ ज्यादा है तो सिलेंडर रेशियो भी ज्यादा हो जाएगा और सिलेंडर रेशियो अगर मेंबर का ज्यादा है तो मेंबर रेशियो लोअर बकलिंग लोड है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाएगा। इस सबके अंदर शॉर्ट कॉलम के अंदर आपका रेशियो बहुत कम होता है इस वजह से बकलिंग लोड ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर आपका सिलेंडर रेशियो और इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाते हैं के वैल्यू बढ़ जाती है तो उस केस के अंदर आपका जो बकलिंग लोड है वो हो जाता है। तो नाउ हम डिजाइन प्रोसीजर जब हम अनसपोर्टेड लेंथ फाइंड आउट करते हैं अनसपोर्टेड लेंथ सिलेंडर रेशियो बेस पे जब हम मेंबर को डिसाइड करते हैं काया मेंबर इज अ सिलेंडर कॉलम और इज अ शॉर्ट कॉलम तो बेस ऑन दैट हम डिजाइन प्रोसीजर के हिसाब से पहले उसमें मैग्निफिकेशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। वुमेन मैग्निफिकेशन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ इवन एंड पी टू आर यूज टू हिस्टोरिकल एस्टीमेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन द कॉलम कितनी इंफॉर्मेशन या मैग्निफिकेशन जनरेट हो रही है मेंबर के अंदर उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास जो है वो दो कंडीशन है इफ मेंबर इज नो स्वे या नॉन स्वे मेंबर नॉन स्वे मूवमेंट मैग्निफिकेशन इसके अंदर नो साइज के है कोई भी साइज के अंदर मूवमेंट नहीं है उस केस के अंदर हमारा जो मूवमेंट मैग्निफिकेशन फैक्टर है शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 1 होता है। अब इस केस के अंदर B1 इज इक्वल्स टू CM कोफिशिएंट है फैक्टर है कांस्टेंट मूवमेंट मैग्निफिकेशन का डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इनटू PR ओवर PL शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 1 PR बेसिकली इज द रिक्वायर्ड सेकंड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट जो हम कैलकुलेट करते हैं PNP एंड PL बेसिकली आर बेस्ड ऑन द
वैल्यूज जो मेथड आदेश कर रहे हैं उसकी फर्स्ट ऑर्डर स्पेसिफिकेशन। इसी तरह जब हम फ्रेम मूवमेंट मैग्निफिकेशन की बात करते हैं किसी का क्लास डिजाइन, तो वहाँ पे हमारे पास जो बी टू की वैल्यू है शुड बी इक्वल टू वन प्लस 2.5 इंटू अल्फा सम ऑफ पी एल टी सम ऑफ एच एल क्यू एल थीटा डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू इंटू सम ऑफ क्लास मूवमेंट इंटू फाइव नॉट गिवन इन कोड। ये आपका तमाम जनरल फॉर्मूला है जो कि डेवलप किया गया है। इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं ये सारे पैरामीटर्स वगैरह जब हम कुछ डिफरेंट डिजाइन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसके अंदर सारी चीजें जो आपको क्लियर हो जाएंगी। नॉन सोए मूवमेंट मैग्निफिकेशन फैक्टर हम किस तरह से कंसिडर करते हैं और किस तरह से सब सोए मूवमेंट मैग्निफिकेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो डिफरेंट मोशन की बात है। जो भी मैंने फार्मूला यूज किया उसके अंदर जो डिफरेंट फार्मूलाज और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो हमने यूज की जो हम सोए